DNN News sponsored by Deepak Jeweler, Lakkar Bazaar, Solar 9816078655। देखिए हमारे संज्ञान में एक मामला आया है जिसमें कि कंप्लेंट ये दर्ज कराई गई है कि एक बच्चा जो कि पबजी गेम खेलता था और उस गेम को खेलने के दौरान ही उसका कुछ लोगों से संपर्क हुआ, जिन लोगों ने उससे कुछ पैसे ऐंठने की कोशिश की और उस बच्चे ने भी उन लोगों की बातों में आकर तकरीबन 1.5 लाख तक का अमाउंट ट्रांसफ़र किया उनके अकाउंट्स में। तो ये मामला हमारे संज्ञान में आया, इसकी जाँच चल रही है और भी अभिभावकों से सारे पेरेंट्स से मेरी अपील है कि बच्चों को जब भी वो मोबाइल टैबलेट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दें, अगर वो सिस्टम पे काम कर रहे हैं, पीसी या लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, तो हमेशा एक चेक रखें कि बच्चे उसमें क्या काम कर रहे हैं, किस तरह की वेबसाइट्स विजिट कर रहे हैं और उस पर क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो हम जैसे देख रहे हैं कि इंटरनेट एक बहुत ही विशाल एक मीडियम है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिस पर हर तरह की चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें भी हैं, बुरी चीज़ें भी हैं और लोगों को बेवकूफ़ बनाने और लोगों को ठगी करने की भी काफ़ी सारी चीज़ें चल पड़ी इंटरनेट पर। और जैसा कि इस केस में देखा गया कि बच्चा गेम खेलते हुए इन लोगों के संपर्क में आया, उसने पैसे ट्रांसफर कर दिए, ऐसा और भी तरीकों से होता है और लोग दूसरे लोगों को इसमें फंसाने की कोशिश करते हैं। तो मेरा सभी से ये अपील है कि अपने बच्चों को जब भी इंटरनेट का यूज़ अगर वो कर रहे हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट यूज़ कर रहे हैं तो उस पर बिल्कुल कड़ी नज़र रखें कि बच्चा क्या कर रहा है और किस तरह की एक्टिविटीज उसमें कर रहा है। इसके साथ ही जैसे इस केस में ये देखने में आया कि जो बच्चा था वो उसने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करने में वो सफल रहा और उसको कर पाया, तो मेरी माँ बाप से यही अपील है कि इस तरह का एक्सेस बच्चों के पास नहीं होना चाहिए जो फाइनेंशियल इतनी बड़ी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन कर पाएं और ये डिटेल्स उनके पास नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के मेरा कहना यही है कि बच्चा अगर इस तरह के ऑनलाइन कुछ एक्टिविटी कर रहा है तो माँ बाप उस पर नज़र रखें कि वो सही चीज़ यूज़ कर रहा है, कोई गलत प्लेटफॉर्म पर तो नहीं, गलत वेबसाइट पर तो नहीं काम कर रहा है और कुछ, ताकि इस तरह की घटना दोबारा ना हो सके। हिमाचल प्रदेश के विश्वसनीय ज्वेलर भूषण ज्वेलर्स सोलर।